दोस्तों, अभी हम बना रहे हैं ये वाला एक प्लांटर बना रहे हैं, तो इसमें छेद कम थे तो मैं इसका छेद कर रही हूँ। छेद को हमेशा पीछे की साइड से करें, जिससे इसमें ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है छेद करने में, तो नीचे पानी निकलने में परेशानी होती है। तो ये छेद आप बहुत ही ज़्यादा छेद करेंगे। ये देखो, इधर से पीछे से छेद करेंगे इस तरह से, और कम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इस पर आप चाहे केवल एक पतला सा कपड़ा ही बिछा दीजिए, ज़रूरी नहीं है आपको कंकड़ लगाने की, तो बस उसी से हो जाएगा इसका। ये करना है आपको, देखिए मैं इसमें काफ़ी सारे छेद कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम एक पतला सा कपड़ा बिछा देंगे, उसके बाद हम इसमें प्लांट लगाएंगे। और ये काम करते वक्त आप जब भी ये काम कर रहे हो तो आप इसमें मास्क जरूर लगा लें अपने। मैं तो मास्क लगा रखा है अभी भी, जिससे कि इसमें थोड़ा सा जो भी इसमें निकलता है धुआं प्लास्टिक का, वो आपके अंदर ना जाए। तो डबल मास्क लगा के आप अब ये काम करें तो सही रहेगा। और मैं इसमें कम से कम बहुत सारे इसमें होल करूँगी, जिससे ये प्लांट अच्छे से पानी इसमें रुके नहीं और अच्छे से उग जाए। आप देख सकते हैं कितने सारे होल हमने कर लिए हैं इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कपड़ा बिछा देंगे सीधे बस, और हम ये तीन प्लांट लगाने वाले हैं। ये देखिए, इस बाल्टी में भी मैंने इस तरह से करके और ये इस तरह का कपड़ा इसके अंदर बिछा दिया। देखिए ये होल्स हैं इसके सारे, क्योंकि प्लास्टिक में से और कहीं से पानी को निकलने की वो नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ये कपड़ा यहाँ बिछा देंगे, इसमें भी इस तरह से बिछा देंगे। और फिर हम मिट्टी जो हमने तैयार की है, ये देखिए हमारी मिट्टी है, ये हमारी खाद। इन तीन प्लांट को हम इन तीन में लगाने वाले हैं। ये देखिए, ये कैलेंडुला है और ये डायंथस है और ये देसी रोज है, जो कि मुझे ये 300 रुपये के अंदर मिले हैं। यहाँ बेचने वाला आया था तो मैं इनको अब उगा देती हूँ। इनमें कोई और प्लांट लगे हुए थे, मैंने हटा दिए जो ख़राब हो रहे थे। तो मिट्टी हमने पूरी तैयार कर ली है, ये देखिए आप। इसमें मैंने अपनी खुद की बनी हुई जो कंपोस्ट हमने तैयार की है वो डाली है इसके अंदर, और नीम खली, कोको पीट, तीनों चीज़ हमने तीनों बराबर रेशियो में लगभग डाल दिया है। अब हम इसके अंदर इस तरह से कपड़ा बिछा के सीधे और इसमें ये मिट्टी डालते जाएंगे। बस यही करना है, और उसके बाद ये प्लांट उगा देना है। इसकी थैली हटा के थोड़ी थोड़ी मिट्टी को हम साइड से हटाएंगे। अभी इसमें हम थोड़ी सी और नीम खली, ये मेरे पास नीम खली है और ये है अरंड की खली, ये सब इसके अंदर हमने मिला दी हैं। नीम खली है जो अपने ये जो भी कीड़ा वीड़ा होते हैं उनके लिए सही है, वो नहीं लगते हैं फंगस वगैरह के लिए, तो अरंड की खली भी वही काम करेगी। तो अब हम इस पूरी मिट्टी को, ये देखो हमने तीनों में ये कपड़ा बिछा दिया और बहुत सारे इनमें होल्स कर लिए तीनों में। तो अब ये मिट्टी हम इसके अंदर डाल देंगे और इन प्लांट्स को उगा देंगे, बस यही करना है हमको। ये देखिए दोस्तों, ये लग चुके हैं। अब इनको हमको इनमें पानी देना है बस, बहुत ज़्यादा पानी हमको सर्दियों में देना नहीं है।